बैलेंस टाइप के जो ब्रिज होते हैं रेजिस्टेंस के, उसको सॉल्व करने का आपको तरीका पता होता है। और सबसे पहले तो ये जानना होता है कि बैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे। तो उसका इजिएस्ट वे ये है कि जब आप R1 और R2 रेजिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, और R3 और R4 रेजिस्टेंस का रेशियो अगर आप देखते हैं, और वो अगर आपको इक्वल टू इक्वल मिलता है, जैसे कि 2/4, मतलब R1/R2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और ऐसे ही R3/R4 करेंगे जो कि 3/6 है, अगर उसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और ये कंडीशन कहलाता है बैलेंस कंडीशन का। तो जब कोई ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, उस केस में ऐसे सर्किट्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इजी होता है, क्योंकि उस केस में हम ये कहते हैं कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, जिसकी जो R5 जिसकी वैल्यू 1 ओम है, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू जो रेजिस्टेंस बचता है, जो जो सर्किट बचता है, वो क्या है कि बीच वाला हिस्सा तो गायब हो जाता है, बाकी बचता है आपका वही R2 R4 जो कि आपस में सीरीज में होते हैं, जिसकी वैल्यू 6 ओम हो जाती है, और R3 R6 जो कि आपस में अगेन सीरीज में होते हैं, जो कि 9 ओम हो जाते हैं। और फिर फाइनली आप इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं, और फिर पैरेलली इसको कनेक्ट करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, चूँकि ये दोनों पैरेलल सीरीज में हैं, 6 ओम हो गया, ये दोनों आपके सीरीज में हैं, तो 6 ओम 9 ओम हो गया। ठीक है, अब ये पूरा ऊपर वाला और ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है, ये आपस में पैरेलल में है, तो इस तरह से आप 1/6 + 1/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक वैल्यू के पहुंच जाते हैं। तो ये तो सोल्यूशन था बैलेंस ब्रिज को सॉल्व करने का। लेकिन क्या हो कि R1/R2 और R3/R4 का जो रेशियो है वो इक्वल ना हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि जो R1/R2 की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, सो यू विल गेट R1/R2 विच इज़ इक्वल टू, कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू है 1 ओम और R2 की वैल्यू है आपकी 2 ओम। तो आंसर आपको मिलेगा R1/R2 इज़ इक्वल टू 1/2। नाउ अगेन मैं यहाँ से सॉल्व करूँ R3/R4 को, तो R3/R4 जो मिलेगा वो मिलेगा 3/4। ठीक है, और इस केस में किसी भी हाल में, चूँकि 1/2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 3/4 के, तो उस केस में R1/R2 भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता R3/R4 के, और ये कंडीशन कहलाता है मेरा अनबैलेंस कंडीशन। तो उस केस में ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है R5, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आती कि ऐसे सर्किट के इक्विवेलेंट को हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस डाउट को क्लियर ही कर लेते हैं फाइनली। देखिए, इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप देख ध्यान से देखिए, तो आपको पास दो ट्राइंगल मिलेंगे, AC D, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है CBD। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट पोर्शन है आपका ट्राइंगल AC और D वाला, उसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, तो मैंने इतने पार्ट को, ब्रिज के इतने पार्ट को यहाँ पे मैंने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद आप पाएंगे कि R1 केवल 1 ओम है, R5 जो है वो 5 ओम है। ठीक है, अगर आप कंपेयर कर सके तो, और R3 की वैल्यू 3 ओम है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम करते क्या हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम करेंगे क्या कि देखिए, मैं एक एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और आप भी ऐसे ही फॉलो अप कीजिएगा। देखिए, लाइक मैं एक
फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसी के अंदर, देखिए ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से मैंने एक इस रेजिस्टेंस को मैं अपने मन से आर ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर इस पॉइंट से, ये जो एक पॉइंट मैं बना लेता हूँ, और यहाँ से एक मैं ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस वन, और यहाँ पे भी एक अपने मन से एक रेजिस्टेंस आर बी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर से एक बार सॉल्व लगा देता हूँ मैं ऐसे कुछ, और इसको मैं एक ऐसे ही रैंडम रेजिस्टेंस आर सी कह लेता हूँ। हम करेंगे क्या कि ये जो मैंने बनाया हुआ, लेट सपोज इसको पॉइंट ओ मान लूँ, तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ए टू ओ, डी टू ओ और सी टू ओ, इसकी वैल्यू को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आर वन प्लस आर फाइव प्लस आर थ्री की वैल्यू को निकालिए, आर वन प्लस आर फाइव प्लस आर थ्री, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, आर वन की वैल्यू वन ही है, आर फाइव की वैल्यू फाइव है और आर थ्री की वैल्यू थ्री ओम है, ठीक है। तो जो आपको टोटल मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको 9 ओम। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम एक एक करके आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू निकालते हैं। आप स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आर ए की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा आर ए के सामने जो जो पड़ रहा है, देखिए आर ए के बगल में, सॉरी आर ए के बगल में कौन कौन सा है, आर वन और आर थ्री, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर वन इंटू आर थ्री अपॉन, और ये जो आया है ना आपका 9 ओम, बस वही कर दीजिए। वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए आर वन की वैल्यू कितनी है 1 और आर थ्री की वैल्यू है 3, तो 1 × 3 अपॉन 9, यू विल गेट 3/9, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/3 ओम, ठीक है। ऐसे ही आर बी कैलकुलेट करिए, तो जब आप आर बी कैलकुलेट करेंगे, देखिए आर बी के सामने कौन कौन है, एक 3 है आर बी के बगल में, ये एक बगल में है और आर बी के ये बगल में, तो इन दोनों का पहले आप प्रोडक्ट करिए, सो आर 3 × r5 अपॉन, ये टोटल लिख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, आर 3 की वैल्यू है 3 ओम, आर 5 की वैल्यू है 5 ओम अपॉन ये आपका 9, कितना हो जाएगा आपका 15/9, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 5 × 3 = 15/3 = 9, ठीक है। अब बात आती है आर सी के निकलने के लिए, तो अब आर सी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आर सी पहले आप देखिए आर सी के बगल में कौन है, एक ये बगल में है और एक ये बगल में है, तो इन दोनों का आपस में आप कर दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, और अपॉन करके टोटल जो रेजिस्टेंस आया है वो, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, आर वन की वैल्यू है आपकी 1 ओम और आर फाइव की वैल्यू है आपकी 5 ओम अपॉन 9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किए तो यू विल गेट 5/9। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आर ए की वैल्यू 1/3, आर बी की वैल्यू 5/3 और आर सी की वैल्यू 5/9, इतना आप निकल गया। अब आपको करना क्या है, देखिए जो पार्ट आपने ये ट्रायंगल का लिया था, इसको देखिए, इसको मैं अगर ढक दूँ तो ये जो इतना हिस्सा है इसे आप हटा दीजिए, ठीक है ना, और उसकी जगह पे ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल लाइक दिस वन, ये वाला इतना हिस्सा, ये चीज़ ए ओ, ओ डी ओ और सी ओ, ये चीज़ आप लाके इसमें फिट कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये इतना हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, तो मेरे पास केवल ये इतना पार्ट बचेगा। तो देखिए जो ये इतना पार्ट बचेगा वो क्या क्या है आपका, एक तो है आपका 2 ओम का, 4 ओम का, ठीक है। पहले मैं इसको बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से ये हिस्सा आपका बचेगा,
तो ये देखिए, ये है आपका 2 ओम और यहाँ है आपका 4 ओम। तो यहाँ भी जो बचेगा वो होगा आपका 2 ओम और ये होगा आपका 4 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ आ रही है। अब देखिए, ये वाला ऊपर का हिस्सा मैंने कर दिया है गायब। ठीक है, ये देखिए इधर ध्यान से, ये आपका बी टर्मिनल है। ठीक है ना, अब मैं करूँगा क्या कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने रिमूव किया है, उसकी जगह ये ट्रायंगल के अंदर जो मैंने एक स्टार टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसको इसकी जगह पे प्लेस करूँगा। देखिए प्लेस कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट सी था, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट सी है और उस पॉइंट सी से एक आ रहा है कुछ इस तरह से। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो ये पॉइंट सी है, यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे आया हुआ है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, पॉइंट ओ तक, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, और ऐसे ही आर बी गया है पॉइंट डी से, तो यहाँ से मैं एक डाल दे रहा हूँ पॉइंट डी से एक वैल्यू को, ठीक है ना। तो एक रजिस्टर ये हो जाएगा, एक रजिस्टर आपका ये हो जाएगा, ये रजिस्टर वही है जो कि आपका आर सी था और ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आर बी को। और अब बचा कौन सा, ये वाला जो कि टर्मिनल ए तक जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा एग्जीक्यूट कीजिए तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपका आर ए, ये टर्मिनल ए। अब इस आर ए आर बी आर सी की वैल्यू आप रखिए, तो आर सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है आपने भाई, 5/9। आर बी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 5/3। और आर ए की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 1/3। अब अगर आप देखें तो इस फिगर को सॉल्व करना आपके लिए ज़रा भी टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपके, सीरीज में हैं। तो फर्स्टली आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये रेजिस्टेंस आपका R2 था, ये रेजिस्टेंस आपका R4 था। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सो यू विल गेट RC + R2 कितना मिल जाएगा आपको। देखिए क्योंकि सीरीज में है तो सीधे सीधे ऐड करेंगे, यू विल गेट 5/9 + 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 23/9। ठीक है, ये इतने की वैल्यू। ऐसे ही इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीरीज में है तो RB + R4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 + 4। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 17/3। ठीक है, अब ये इतना और ये इतना आपस में आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, तो कह सकते हैं कि इसको और इसको आपस में हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू विल गेट, देखिए अगर आप ऐड करूँ तो 23/9 + 17/3, चूँकि पैरेलल में है तो 1/1 करके जोड़ेंगे हम। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 9/23 + 3/17। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 222/391। ठीक है, तो ये चूँकि पैरेलल में है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 391/222। तो ये इतनी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप देखिए तो इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो इसको जब आप ऐड करेंगे सीधे सीधे 1/3, सो यू विल गेट द फाइनल रिज़ल्ट। और वो फाइनल रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसको आप सीधे सीधे ऐड कर लीजिए और यही आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो आई होप कि अब आपको अनबैलेंस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा।